नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 बजे के लाइव में। और खबर ये आ रही है कि झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के पहले बहुत से आंदोलन शुरू हो रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार गिराने की साजिश वाली खबर स्टूडेंट्स के आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए है? क्या इस समय युवाओं के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? और क्या मंगलवार को कैबिनेट के फैसले में सर्टिफिकेट वाली मैटर पर मुहर लग जाएगा? इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1 अगस्त से हमारे पास ढेर सारे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि 1 अगस्त से जेटेट बहाली शुरू करो, इसे लेकर जेटेट परीक्षा शुरू करो, इसे लेकर टैगलाइन चलाया जाएगा। और बहुत से प्रशिक्षित छात्र संघ, जिसमें पलामू के और जामताड़ा के, दुमका के कई स्टूडेंट मौजूद हैं हमारे साथ में, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि वो एक बड़ा आंदोलन 1 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं कि जेटेट परीक्षा को जल्द से जल्द लीजिए, यानी कि जेटेट जो इतने वर्षों से नहीं हुई है इसे लिया जाए। इसमें प्रमुख तौर पर मनीष मेहता और चंदन आनंद ने झारखंड अब तक से बातचीत करते हुए कहा है कि अब यह समय आ गया है कि एग्जाम हो जाना चाहिए। हम बहुत जल्द उनके साथ आपको सीधी बातचीत कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि क्या जेटेट एग्जाम पहले होना चाहिए या फिर पहले एक सीधी काउंसलिंग हो या 2016 वाले की बहाली हो। इसके साथ साथ 8 अगस्त से भी शफी इमाम, गुलाम हुसैन सहित अन्य अभ्यर्थियों ने भी एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें 2400 जिला में एक साथ अगस्त क्रांति के तर्ज पर एक बड़ा मार्च निकालने की योजना है। और सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इनकी मुख्य मांग ये है कि झारखंड में ना तो कोई स्थानीयता नीति है, ना ही कोई वैकेंसी है, और जो वैकेंसी आती है वो कोर्ट के चक्कर में फंस जाती है। ऐसे में इनका डिमांड ये है कि जल्द से जल्द सारी नियुक्ति प्रक्रिया हो जानी चाहिए। लेकिन क्या 2021 में क्या नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी? और अगर होती है तो कहां से शुरू होगी? पहले यह आशा हो रहा था कि जेपीएससी से शुरू होगी, लेकिन छठी जेपीएससी पर इतने पेच फंस गए हैं कि अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क हो गया है। और सातवीं जेपीएससी के एग्जाम डेट को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था कि 1 अगस्त को होगा, वो अब नहीं होगा, जो सबसे पहले हमने आपको बता दिया था आज से तकरीबन 20 दिन पहले, जब सभी लोगों ने कहा था कि 1 अगस्त को परीक्षा होगा, हमने बताया था नहीं होगा। और इसी उधेड़ बुन में अब जेपीएससी बैठी हुई है कि उनको नियम का जो टोकरी है, वो नियम वाला टोकरी उनको कोई दे और इसके बाद ही वो वैकेंसी निकालेंगे। ये हमारे झारखंड के इस समय में हालात नजर आ रहे। सवाल यहां पर और भी है, सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या झारखंड में रोजगार के नाम पर हमेशा ऐसा होता रहेगा, या नए नए नियमों के आधार पर स्टूडेंट जो है फंसते चले जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट पॉलिसी की। प्लस टू और टेंथ झारखंड से होना चाहिए। अगर ये नियम को लागू करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट अपनी बैठक में मुहर लगा देती है तो फिर कई मुकदमा दायर हो जाएगा और इसके बाद स्टूडेंट आपस में ही उलझ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि हो जाना चाहिए, अधिकांश लोग मानते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंथ के बाद लोगों ने दूसरे जगह से पढ़ाई किया है। और खास करके झारखंड के कई ऐसे लोग हैं जो सेना में नौकरी करते हैं, उनके बच्चे की डिग्री तो बाहर ही मिली होगी, ये तो ऑब्वियस है। अगर पोस्टिंग आपकी जम्मू कश्मीर और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है तो डिग्री आपके बच्चे की वहीं से होगी। क्या झारखंड से बाहर किसी ने डिग्री हासिल कर लिया और झारखंड का वो रहने वाला है, अगर उसके पास 1932 का भी खातियान होगा तो इस नियम कानून के तहत उसे नौकरी नहीं मिलेगी और इस आधार पर कोर्ट में मामला चला जाएगा, क्योंकि झारखंड कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पुरानी सरकार की 1985 से जो लोग झारखंड में, उन्हें झारखंडी कहा गया था, क्या उस पर बदलाव हो रहा है, या फिर उसे वैसे ही रखते हुए उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन की जा रही है? परिवर्तन से क्या हासिल होगा, कितना लाभ होगा, यह भी देखने वाली बात होगी।
साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि झारखंड में इस समय बहुत सी नौकरी आती है। हाल के दिनों में मीडिया में 24,000 टीचर की बहाली की खबर आ गई, स्टूडेंट खुश हो गए। यूट्यूब में भी तमाम लोगों ने वीडियो डालना शुरू कर दिया कि तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अब आपके पास वैकेंसी आ रही है। हम आपको बता दें, पिछले 5 वर्ष में यह न्यूज तकरीबन 30 से 35 बार अलग अलग अखबारों ने निकाला है, यानी कि जो झारखंड के प्रमुख 5-6 अखबार है वह 24,000 नियुक्ति वाली खबर, 32,000 नियुक्ति वाली खबर और टीचर के 75,000 पद खाली हैं, नियुक्ति कल हो जाएगी, ये वाली खबर जो है तकरीबन सैकड़ों बार निकालने की योजना भी बनाए थे और निकाल भी चुके हैं। ऐसा होता है कि एक अखबार इस खबर को सुर्खियों में देता है, इसके बाद कुछ 15-20 दिन के बाद दूसरा अखबार सुर्खियों में ले आता है, लेकिन ये अखबार कभी अभियान नहीं चलाते, ये अखबार कभी रेगुलर इसका टेलीकास्ट नहीं करते कि अगर आपने वैकेंसी के लिए बोला तो फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो रही है, फिर टीचर की वैकेंसी प्रक्रिया में कहां पर दिक्कत है, आखिर कौन सी ऐसी मुश्किल है कि सिर्फ न्यूज छप जाता है लेकिन शुरुआत नहीं होती है। इसलिए हमने बताया आपको कि सीरियस मत होइए, झारखंड में ऐसे न्यूज आते रहते हैं कि वैकेंसी शुरू होगी, गुप्त सूत्रों से पता चला है लाखों वैकेंसी आने वाली है, 15,000 20,000। आप 2 साल पहले के वीडियो देख लीजिए, आपको नजर आएगा कि सचिवालय में नियुक्ति हो रही है, पंचायत में नियुक्ति हो रही है, फलना विभाग में हो रहा है, ये सारे न्यूज आते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, ये आपसे छुपा हुआ है क्या? इसलिए जरूरत है कि झारखंड के सभी मीडिया घराने नौकरी के लिए आगे आए, सिर्फ न्यूज नहीं छापे बल्कि वो एक अभियान चलाए। जब जब स्टूडेंट का आंदोलन होता है तो स्टूडेंट को एक जगह मिल जाता है, 5x10 का कोई कॉलम मिल जाता है या 2x2 का कॉलम मिल जाता है, न्यूज छप जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीजें दब जाती हैं और फिर कोई आंदोलन होता है तो न्यूज आता है। इसलिए अब हमारे झारखंड के सभी अखबार से हमारा निवेदन होगा कि वो इसे अभियान करें, प्रतिदिन झारखंड सरकार को याद दिलाएं कि 5 लाख एक साल में 5 लाख रोजगार के वादे का क्या हुआ, 1 महीने में सभी रोजगार के वादे का क्या हुआ। आपने कहा था 1 महीने के अंदर सभी रिक्ति की संख्या मंगा लेंगे, 1 महीने के अंदर 23 जून से 23 जुलाई हो गया, पिंड ट्वीट चला गया, विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगा रही है, क्या स्टूडेंट सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झूलते रहेंगे या फिर नौकरी की शुरुआत होगी, बरसात होगी। इसलिए सर्टिफिकेट पॉलिसी को बंद कीजिए, ये सर्टिफिकेट पॉलिसी का नियम कानून का अड़चन और जंजाल मकड़जाल, इसे बंद कीजिए। आप नौकरी के लिए बताइए कि झारखंड में युवाओं के लिए ठोस योजना क्या बनाया गया है, किस योजना और बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर लाइक कमेंट करते रहिएगा और साथ ही साथ हमसे सीधी बात करने के लिए 9431156794 नंबर पर रात को 8 से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। यहां की युवा तैयारी करें तो किसके लिए करें, किस एग्जाम की तैयारी करें, ये तो सरकार भी बता दे कि जेटेट की तैयारी करें, सीधी काउंसलिंग की तैयारी करें, दूसरे स्टेज के एग्जाम की तैयारी करें, जेपीएससी की करें, जेएसएससी की करें, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। वैकेंसी निकालते समय यह भी तो बताइए कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कौन कौन से क्लू इसमें केस करने के लिए छोड़े गए हैं और क्या जानबूझ करके क्लू छोड़ दिया जाता है कि केस तो होना ही चाहिए और जब केस होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। और पिछले 5 वर्षों का लेखा जोखा देख लीजिए। तो हमने पूछा था आपसे कि क्या झारखंड की सरकार नौकरी देने के लिए कृत संकल्प है, हमने पूछा था आपसे कि क्या झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले हैं। उत्तर अलग अलग आया, अधिकांश लोगों ने माना कि रघुवर दास सबसे बेहतर मुख्यमंत्री थे, 70% लोगों ने सर्वे में कहा है कि रघुवर दास सबसे बेहतर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार दिया।
और रोजगार देने के लिए क्या सरकार सीरियस होगी? आज भी 80% लोग मानते हैं कि नहीं। हमने ये पूछा था कि जेपीएससी को लेकर के जो दिक्कत हो रही है, छठी जेपीएससी को लेकर, इसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है? 60% लोगों ने माना है कि मुख्यमंत्री फाइल पर साइन क्यों किए, इसलिए दोषी मुख्यमंत्री है। जेपीएससी को सिर्फ 30% लोग दोषी मानते हैं। बहुत बड़ा सवाल उठता है, हर सर्वे क्या झूठ होता है? क्या हर सर्वे मैनिपुलेटेड होता है? और यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि तकरीबन सर्वे में 24 घंटे के अंदर 5 से 6 हजार लोग वोट करते हैं और उसमें हम ये सर्वे का रिजल्ट बताते हैं। इसलिए अब सरकार को सोचना चाहिए कि आप फल विक्रेता और मजदूर से हार रहे हैं। सरकार गिराने की साजिश रचने वाले लोग बोकारो से पकड़े जाते हैं और आप रांची के 5 स्टार होटल की बात करते हैं। बड़ा सवाल है, क्या युवाओं को छल कपट से हराया जा रहा है? क्या युवाओं को डेविएट किया जा रहा है? जब जब आंदोलन होती है तब तब आंदोलन को तोड़ने के लिए नौकरी की बात तो शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में ना तो नौकरी की कोई ठोस बुनियाद दिखती है और ना नौकरी दिखती है। कौन है दोषी? क्या वो युवा दोषी है जो सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे? वो युवा दोषी है जो 1 अगस्त से 8 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत कर रहे? ऐसे तमाम सवाल का उत्तर हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।